चार कीमोज और 23 रेडिएशंस के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। ठीक है। उन्होंने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी और सर्जरी के बाद भी वो कोई गारंटी नहीं दे सकते। ना वो पानी पी पाती थी, ना खाना खा पाती थी, कुछ भी खाने में उसे तकलीफ होती थी। नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? रमेश। और आपकी पत्नी का नाम? शार्वनी। ठीक है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उन्हें पहले कौन सा कैंसर था और उसका इलाज कैसे किया? वो कुछ भी खाना नहीं खा पाती थी, इसीलिए मैं उसे गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर के पास लेकर गया। वहां पर एंडोस्कोपी किया गया। रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने बायोप्सी करने को कहा और आखिर में कैंसर का पता चला। ठीक है, ठीक है। और अभी पेशेंट की हालत कैसी है? अब वो पहले से काफी बेहतर है। अभी वो ठीक है। अच्छा, यहाँ आए हुए कितने महीने हो चुके हैं? 2 महीने। ठीक है, क्या इसका कुछ और भी इलाज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है? नहीं, हमने बाहर से कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। बाहरी इलाज? जी हाँ, पहले हमने 4 कीमो सेशन किया, उसके बाद 23 रेडिएशन। तो आपको बाहरी इलाज करवाना क्यों बंद करना पड़ा? क्योंकि उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। अच्छा। तो उन्होंने सर्जरी करने को कहा। सर्जरी के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी, तो हमारे मन में शंका आ गई और हमने दूसरा डिसीजन लेने का सोचा। ठीक है। तो जब पेशेंट को पहली बार एसोफेगल कैंसर हुआ तो उनकी कंडीशन कैसी थी? जैसे कि खाना खाना या फिर बातें ना करना, ऐसा कुछ? ना वो पानी पी पाती थी, ना खाना खा पाती थी, कुछ भी खाने में उसे बहुत तकलीफ होती थी। ठीक है। 2 इडली खाने में भी उसे 30 से 40 मिनट लगते थे। ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया यहाँ पर 2 महीने हो चुके हैं, तो क्या पेशेंट अब ठीक से खा पी रहे हैं जैसे कि आपने बताया उस हिसाब से? हाँ बिल्कुल, वो नॉर्मल खा रही है जैसे मैं खाता हूँ। ठीक है सर, क्या आपको लगता है कि 2 महीनों में इतना ज्यादा सुधार आना ये पुनर्जन की मेडिसिन के कारण हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, इसी वजह से हुआ है। हाँ। ठीक है। और सर, और भी पेशेंट है जिन्हें ये बीमारी है, तो अगर आप अपनी तरफ से उन्हें कोई संदेश देना चाहे तो वो क्या होगा? मैं उन सबको यहाँ आने की सलाह दूंगा। आने की सलाह देंगे? आपने उन्हें क्या कहा? मैं उन सबको यहाँ आने को कहूँगा, यहाँ बहुत अच्छा है। और क्या आपने उन्हें डिटेल में सारी चीजें बताई? हाँ जी, मैंने उन्हें बताया कि यहाँ बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी है यहाँ की। ठीक है सर, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपकी पत्नी से कॉल पर बात करें। ठीक है। हेलो मैडम, तुमसे बात करना चाहती हैं, उन्हें बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें, उनसे बात करो। सर फोन स्पीकर पर कर दीजिए। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते मैडम। जी बोलिए। मैडम आप कैसी हैं? क्या आप चावल खा पा रही हैं? आपके पति ने बताया कि आप पहले कुछ ठीक से खा नहीं पा रही थी, तो क्या आप सब ठीक है? पहले बहुत तकलीफ थी लेकिन अच्छा, अभी सब ठीक है। मैं बोलती हूँ तब मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द होता है लेकिन मेरा गला बहुत सही है। और सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक है, सब कुछ ठीक है। आपके पति ने बताया कि आप पहले कुछ खा नहीं पा रही थी। हाँ, मुझे खाने में बहुत तकलीफ हो रही थी, कुछ कर भी नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं आराम से खा सकती हूँ और सब ठीक है अभी। ठीक है।